जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला मोस्ट पॉपुलर सीरियल कुमकुम भाग्य के करंट ट्रैक में जैसे कि आपने देखा ही है कि अभी प्रज्ञा फंसे हुए थे बड़ी मुश्किल में। जी हाँ, किंग का भाई दिग्विजय अभी और प्रज्ञा को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था। गुंडे प्रज्ञा को तो किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और अभी के सर पर गोली मार देते हैं। हालांकि पुलिस अभी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है ताकि उसकी जान बचा सके, लेकिन अभी को हॉस्पिटल लाने में बहुत देर हो जाती है क्योंकि डॉक्टर रिया, प्राची और सारे परिवार वालों से कह देते हैं, सॉरी हम अभी को नहीं बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा अपनी जान को खतरे में डालकर जैसे तैसे गुंडों से बचकर आ जाती है हॉस्पिटल। शो के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर के अभी को मरा हुआ बोलने के बाद प्राची और रिया टूटकर बिखर जाते हैं और वहीं सारे घर वालों का रो रो कर हो जाता है बुरा हाल। जब प्रज्ञा हॉस्पिटल आती है और सब कहते हैं कि अभी अब नहीं रहा, तो प्रज्ञा किसी की नहीं सुनती और दौड़ी दौड़ी जाती है अभी से मिलने और अभी को यूँ चुप देखकर हो जाती है बेहोश। जब प्रज्ञा बेहोश होती है तो अभी प्रज्ञा के सपने में आता है और कहता है कि फुग्गी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे दिल में रहूँगा। तो प्रज्ञा अभी को चुप करा कर कहती है, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगी, चाहे उसके लिए मुझे भी क्यों ना मरना पड़े। अभी प्रज्ञा से कहता है कि मेरी गैर जिम्मेदारी में अब तुम्हें ही हमारी बेटियों का ख्याल रखना होगा, उनकी शादी करानी होगी और सब कुछ संभालना होगा। और इतने में ही प्रज्ञा को होश आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है और रोते हुए कहती है कि आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, और निकल पड़ती है खुद को मारने और कहती है कि जिंदा होकर तो एक नहीं हो सके, पर मरने के बाद ही सही हम एक जरूर होकर रहेंगे, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब क्या होगा आगे की कहानी में, क्या प्रज्ञा भी दे देगी अपनी जान और क्या प्राची रिया सच में हो जाएंगे या ना। टीवी की दुनिया की सारी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं।